हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं हम। और आज का ब्लॉग होने वाला है कि हमारा हॉस्पिटल बैग जो है वो हम लोग रेडी करने, क्योंकि कल सुबह लक्की हॉस्पिटल में एडमिट होगी और इसके लिए हम लोगों ने बैग लिया है और कुछ सामान लिया है। तो हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या है और क्या क्या लेकर जा रहे हैं वो आप लोग को साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जो है बेबी का बैग है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बैग है, देखिए बहुत सुंदर सा बैग है ये। लक्की ने ऑर्डर किया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या साइट देख के ऑर्डर करते मुझे पता नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पैकिंग भी कर लिया था, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये किधर है, वो था ना स्लीपिंग बैग, तुम लाई नहीं इधर, क्या आधा अधूरा लेकर आए। इसको मैंने बोला कि सब कुछ लेकर आ बनाते हैं। तो जो भी हो बैग हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये बच्चे रैप करते हैं ना, ये वाला कपड़ा रैप करने के लिए बड़ा वाला कपड़ा है कॉटन का। ये भी हम लोगों ने पूरा रेडी कर लिया है, लाके अच्छी तरह से धो के आयरन करके रखा है हमने। ये चार पीस लेके आए हैं और ये नीचे रखने के लिए जो इसके वाटर प्रूफ है। तो इसको क्या करते हैं, इसको नीचे बिछाते हैं ना, उसके बाद ही इसके ऊपर ही आपको एक कपड़ा दे के उसके बाद फिर बेबी को रखते हैं। ये है आपका, तो ये दो लिया है, ये सब लक्की ने ऑनलाइन मंगाया है सब कुछ, और यही लोकल मार्केट से ये लिया है। लोकल मार्केट से ये गंजी और हाफ पैंट, हाफ पैंट और टी शर्ट है हम चाहिए। ये लोकल लिया है हम लोगों ने लोकल मार्केट से, कल चाहिए सूती का पूरा कॉटन है जो भी है। लंगोट तो चाहिए, और ये 12 पीस है लंगोट 12 पीस, और इधर और एक लंगोट, और ये बॉडी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं थोड़ा सा कपड़ा लिया है ये, और एक है इधर भी बढ़िया है। हाँ ये है, बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा वो मालूम नहीं है, तो इसको येलो कलर में ले लिया है। पिंक ब्लू ने लिया है, अम्बर भी येलो कलर में ले लिया है। और ये आज भी रिसीव हुआ है, ये वाला क्या है, ये वाला है जो कैप जॉब सॉक्स जो बच्चे का सी देता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनका नाखून बड़ा होता है और तो उससे क्या होता है, तो वो अपने आप को मतलब चोट पहुंचा सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी ऑर्डर किया कि मतलब कहीं चोट न लग जाए, इसीलिए ये ऑर्डर कर लिया है ताकि उसको अगर नाखून बड़ा बड़ा हो तो ग्लव्स पहना सके। ये भी बहुत क्यूट है, छोटा सा कैप ग्लव्स, ये सॉक्स है। और यहाँ पर मैंने लोकल मार्केट से ही लिया, तो मस्कीटो नेट है क्योंकि अभी उसको फुलाएंगे तो वहाँ पर मच्छर तो आएंगे, तो ये भी मतलब लोकल मार्केट से लिया। दूसरा भी है लेकिन ये अगर ज़्यादा गर्मी लगा तो ये वाला लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका, समझ में नहीं आ रहा। ये हो गया, तो ये इस तरीके से दे देंगे मस्कीटो नेट के अंदर बेबी रहेगा। और इसको बंद करने का तरीका भी बिल्कुल ईजी, ये और इसको फोल्ड कर दीजिए, ये हो गया फोल्ड। और इसको बाहर से फोल्ड करना है, तो मतलब ये मैंने देखा था थोड़ा ईजी है और थोड़ा मतलब जो अभी गर्मी के टाइम में जो होता है ना, वो हम लोग एक लेकर आए थे तो मुझे लगा उसमें ज़्यादा गर्मी होगा, मतलब वो ऐसे टाइप का मॉस्किटो नेट है, तो इसलिए ये वाला जो है बिल्कुल मतलब आप इसको एकदम कॉटन वाले कपड़े में एकदम रैप करके
अच्छे से रख लिया और इस पर डिजाइन है। तो अभी जो नेक्स्ट सामान है वो थोड़ा बड़ा है, तो लकी ने मंगाया था, ये कहाँ से मंगाया था, फर्स्ट क्राई से। इसमें ये कहाँ से मंगाया था, फर्स्ट क्राई का ठीक है। अच्छा ये नैपकिन है, तो बाद में भी काम में लगेगा, बच्चे को फिटिंग करने के बाद, ब्रेस्ट फिट करने के बाद या कोई खाना खिलाने के बाद उसका मुँह साफ करने की जरूरत है। ये है मेरे तो पीछे 8-10 पीस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला, मैं बोला कि काफ़ी बड़ा है, इसमें गर्मी भी लगेगा। वो है हमारा ये वाला, इसमें छोटा सा किलो दिया है और इसी का बात कर रहा था मैं वो वाला। तो इसमें अगर रखते हैं ना, इसमें ही मस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर इसमें रखते हैं तो ये इसका जो है थोड़ा मोटा है, इससे क्या होगा बच्चे को गर्मी लग सकता है, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला मस्टर्ड ले लिया। तो इस तरीके से इसको तैयार करना है। क्या हो गया यार चीज, इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। ये है एक है हम लोग ने, ये तो मैं ये आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से नहीं वो तो इसको बिछा भी सकते हैं ना, बिछा भी सकते हैं। हाँ क्या क्या निकल गया है पैसा खाने के लिए, ये सब कोई ज़रूरत ही नहीं था पहले, अभी आजकल है सब नाटक। हाँ दो मेरे को तो इस तरीके से ले सकते हैं। ये भी है और तो कुछ ऐसे रखो कल आपको लेकर जाना पड़ेगा ना। तो यही है, यही सब सामान हम लोगों ने लिया था और भी बाकी है, अभी देखेंगे। ये तो अभी सिर्फ हमारी मर्जी से लिया है, आगे अभी हॉस्पिटल में क्या क्या फिर ज़रूरत पड़ेगा। तो मुझे तो हमें जो जो याद आया, कुछ जो जो थोड़ा बहुत लगा ज़रूर लगा तो हम लोग ले लिया। तो मैंने एक सैनिटाइज़र लिया छोटा सा, कल अगर बहुत लोग आएंगे मिलने के लिए देखने के लिए तो उनको थोड़ा सैनिटाइज़र दे के थोड़ा बहुत ये करके उसके बाद फिर बच्चे को देखेंगे। और लकी का भी कुछ सामान जाएगा, जैसे कि लकी का कुछ नाइटी रहेगा, वो भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। बेडशीट लिया है, बाकी जो है वो तो है। तो यही है कुछ जो सामान जो हम लोगों ने बच्चे के लिए लिया तो आने वाले बेबी के लिए। और अभी कल पता चलेगा बेबी बॉय है या गर्ल है, अभी तक हम लोग कुछ पता नहीं है। और हम दोनों एकदम जो भी होगा उसके लिए हम लोग एकदम रेडी हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। और आप सभी का दुआ, आप सभी का प्रार्थना से हम लोग को जो ये प्रभु ने जो दान दिया है उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। आप लोग प्रार्थना के लिए और सबसे ज़्यादा आभारी हम लोग प्रभु परमेश्वर के लिए, जो उन्होंने हमें ये जो दान है, जो गिफ्ट है हम लोग को दिया, तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोगों ने जो जो लगा सामान वो जरूरी समझा वो ले लिया है, तो देखते हैं आगे जो जरूरत पड़ेगा वो लेंगे। तो आप लोग हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। और भी आप लोग अच्छा वेदर खराब मत हो, खराब नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। तो आज क्या हुआ, इतने दिनों से जो गर्मी था तो आज बारिश हो गया है, बहुत हवा सुंदर हवा चला है। हाँ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि गर्मी नहीं हो रहा है, अभी पूरा ठंडा हो गया, बारिश हो गई पूरा ठंडा। अभी हम लोग बैठे हैं तो मतलब पहले जो था इस टाइम में मतलब बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अभी देखिए हम लोग बिल्कुल एकदम कूल एकदम बढ़िया से बैठे हैं आराम से।
तो यही है, आप लोग और भी प्रार्थना कर दीजिए हमारे लिए। हम लोग कल हॉस्पिटल जाएंगे, कल सुबह नक्की एडमिट होगी सुबह 7 बजे, और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है अभी का चलता रहेगा। तो आज के ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, आप लोग हमारे लिए ढेर सारे प्रार्थना कर दीजिए, और बच्चे के लिए और भी कोई अगर सजेशन है, क्योंकि हम लोग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।